हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आपको मैथ का एक ऐसा ट्रिक, ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और उसी फॉर्मूला को यूज करना है, बस आपको अच्छे से पुट करने आना चाहिए, ठीक है। उसी फॉर्मूला से आप बहुत सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, संख्या पद्धति के क्वेश्चन बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, मैथ का बहुत ही शानदार ट्रिक है, ठीक है। जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक जो सम संख्याएं हैं उनका योग बताइए, ठीक है। या आपको पूछ देता है कि 26 है, फिर 28 है, 30 है, या कुछ भी ऐसे गैपिंग दे दे के पूछ देता है, बोलता है कि इनका योग बताइए। तो कैसे आप जल्दी से इनको एक ही फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, यही देखने वाले हैं। तो इस ट्रिक को आप अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चंस को सीखिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यही हमारा ट्रिक है, ठीक है। यही हमारा ट्रिक है, F प्लस L अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई N। मैं बताऊंगा कि ये क्या है, ठीक है, पूरा टोटल, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो ट्रिक है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं बता नहीं सकता कि कितने सारे क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 से लेके 100 तक जो संख्याएं हैं, ठीक है, 1 से लेके 100 तक संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। तो इस पे हम अप्लाई करते हैं इसी फॉर्मूला को, ठीक है, इसी ट्रिक को। तो F, वही जैसा कि हमारा फॉर्मूला है, F प्लस L अपॉन 2 इनटू N, यही हमारा फॉर्मूला था। तो F बराबर हमारा क्या है, फर्स्ट डिजिट, ठीक है, और L बराबर लास्ट डिजिट। तो यानी कि 1 प्लस 100 अपॉन 2 का 2 रहेगा, और N जो है, ये हमारे फॉर्मूला में जो N है, एन यूज होता है कि कितनी सारी संख्याएं हैं, ठीक है। 1 से लेकर अगर 100 तक है तो 100 संख्याएं होंगी, ठीक है। तो एन उसी को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसको आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप चाहे तो इसको ऐसे काट सकते हैं, यहाँ पे आपका 50 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा 101 × 50, यानी कि 50, ठीक है। तो 10 को आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, 5 एकम 5 और 0 का 0 और 5 एकम 5 और 10 फिर यहाँ पे लगा देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और जो बच्चे छोड़ देते हैं 1 से लेकर 100 तक कौन जाएगा जोड़ने, या सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं होता है, मैं एक ही फॉर्मूला से दिखाऊंगा कि आप कैसे बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप करेंगे, 1 से लेकर 100 तक जब पूछेगा तो वही यही फॉर्मूला यूज करना है आपको हर जगह, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट यानी कि 1 और लास्ट आपका 100 अपॉन 2, और n की जगह पे यहाँ पे जोड़ेंगे आप तो 100 रहेगा, 1 से लेकर 100 तक रहेगा तो 100 रहता है अंक, ठीक है। तो 100 अगर आप काटेंगे तो ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी फॉर्मूला और इसी ट्रिक के अनुसार दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है कि 51 से लेके 100 तक जो संख्या है उनका योग बताइए, मतलब 51, 52, 53, 54 ऐसे करके 100 तक जो संख्या है उनका योग बताइए। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, F F प्लस L अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई N, और आपको अब बताना नहीं पड़ेगा कि F क्या है, L क्या है, ठीक है। तो 51 प्लस लास्ट संख्या यानी 100, ठीक है, अपॉन 2, और N 51 से लेके 100 तक जो संख्या है वो पूरा मिला के 50 होगा, ठीक है, 50। तो आप इसको चाहे तो ऐसे काट सकते हैं, यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 151 हो जाएगा, 100 और 51, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 25 एकम 25 5, और हासिल आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 25 पच्चीस 125 और 2 127, 127 को 7, और हासिल आपका 12 हो जाएगा, और 25 एकम 25 और 12 आपका हो जाएगा 37, ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3775। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने इसी फॉर्मूला पे अभी यूज किया, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला था। और चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा और इसी फॉर्मूला से हम कैसे करेंगे, ठीक है। थोड़ी बारीकियां आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे आपको क्वेश्चन में रखना है, ठीक है। अभी तो ये लगातार था, अभी आपको गैप दे दे के क्वेश्चन आएगा, उसमें आप कैसे इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे, उसको हम देखेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, 126 प्लस 128 प्लस 130
ऐसे ही 146 तक जोड़ के आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया जो लगातार थी संख्याएं उनको हमने जोड़ा, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे हम इसको भी रखेंगे, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए 126 है और बीच में एक छोड़ा है 127, छोड़ के किया है, ठीक है, गैप देके किया है, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला है, एफ प्लस एल अपॉन टू इंटू एन, ठीक है। तो इसी पे हमको रखना है। तो f यानी फर्स्ट डिजिट 126 प्लस लास्ट 146, ठीक है, अपॉन टू, और n यहाँ पे क्या हो जाएगा, n आपका यहाँ से 126 से 146 तक जाएंगे 10, और एक ये खुद 11, 11 संख्याएं हो जाएगी, क्योंकि देखिए एक एक छोड़ छोड़ के किया है, तो आप देख लीजिएगा 11 संख्याएं होंगी, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 12, 272 होगा आंसर, ठीक है, 272 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है। तो आप इसको इससे काट दीजिए, यानी आपका आ जाएगा 136, इसका आधा 136 गुणा 11, ठीक है, यानी आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 11 × 66, 6, फिर 6 बचेगा, 11 × 33 और 6 39, 9 3 हो जाएगा, 11 × 11 और 3 1496 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही फॉर्मूला था, बस आपको बारीकियां ये ध्यान रखना है कि कितनी सारी संख्या है, n को हमने यहाँ पे अच्छे से प्लेस किया, यानी कि 26, 126 से लेके 146 तक जो संख्याएं हैं वो हमारी 11 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो 11 यहाँ पे बस रखना था आपको, और सेम वही फॉर्मूला है, n की बस वैल्यू आपको अच्छे से रखनी है, देख के रखना है, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए लगातार संख्या नहीं है, ठीक है, और गैपिंग भी यहाँ पे प्लस थ्री करके किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17, ठीक है। तो ऐसे ही संख्याएं हैं, तो कैसे आप इनको करेंगे और कैसे आप फॉर्मूला को लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 2 फर्स्ट संख्या, फॉर्मूला क्या था हमारा, एफ प्लस एल अपॉन टू इंटू एन, ठीक है, यानी फर्स्ट संख्या यानी 2 प्लस 17 लास्ट संख्या, और यहाँ पे आपका 2 और n, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, तो यहाँ पे n, इसको आप काटेंगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 19 3 57, तो ऐसे आप आंसर तुरंत बता सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे जोड़ भी सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसीलिए बताया हूँ क्योंकि आपको पता चल सके कि जो लगातार संख्याएं हैं उन्हीं पे नहीं, सब पे ये काम करता है, ठीक है। बस आपका बसरते जो कंडीशन ये है कि गैपिंग समान होना चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस थ्री है तो यहाँ तक भी आपका प्लस थ्री ही रहे, लगातार आपका चलना चाहिए सीरीज टाइप का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन ले लेते हैं, जो सम और विषम पे रहता है कि 1 से लेकर 100 तक सम कितने संख्याएं या विषम संख्याएं कितनी है, तो उनको कैसे इस फॉर्मूला से हम करेंगे देखिएगा। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका ऐसा, आप कई बार क्वेश्चन देखे होंगे, 1 से लेके 100 तक जो सम संख्याएं हैं उनका योग आपको बताना है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा और बस आपको यहाँ पे अच्छे से रखना है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है, एफ प्लस एल अपॉन टू इंटू एन, ठीक है, इसी पे हमें को रखना है, ठीक है। तो जब सम संख्या की बात करेंगे तो सम संख्या आपका 1 से तो स्टार्ट नहीं होगा, 2 से होगा, यानी फर्स्ट संख्या आपका 2 हो जाएगा और लास्ट संख्या आपका 100 हो जाएगा, ठीक है, 1 से लेके 100 तक में जो सम संख्या का योग है, ठीक है। तो यानी कि 2 प्लस 100 अपॉन 2 इंटू एन, एन की बात करेंगे तो एन यहाँ पे 50 होगा, क्योंकि देखिए 1 से लेके 100 तक जो सम संख्याएं होंगी वो 50 होंगी और विषम संख्याएं जो होगी वो भी 50 होंगी, तभी 50 × 100 होगा, यानी 1 के बाद 3 जब आएगा वो विषम है और 2 के बाद जब 4 आएगा तो वो सम है, ठीक है। तो 50 संख्या सम और 50 संख्या विषम, तो यहाँ पे आप 50 करेंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पे 102 हो जाएगा, ठीक है, और अपन यहाँ 2 और यहाँ पे 50, तो आप इसको इससे काट सकते हैं या आप इसको इससे काट सकते हैं, ठीक है। तो इससे इसको काटेंगे आपका 51 हो जाएगा, 51 × 50 आपका आंसर आएगा, 51 × 50। तो 10 को रहने देते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 5 और 50 × 25, ठीक है, और 10 हमने छोड़ा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, कई तरह के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 25 50 आंसर आ गया, 1 से लेकर 100 तक जो सम संख्याएं हैं उनका योग, ठीक है। अब ऐसे ही विषम संख्या को देखेंगे छठवें नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो छठवां नंबर क्वेश्चन आ चुका है,
सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, एक से लेकर 100 तक जो विषम संख्या है उनका योग आपको बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला और ट्रिक हमारा यही रहेगा, ठीक है, f प्लस एल अपॉन 2 इंटू एन, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट संख्या आपका। जब विषम संख्या की बात करेंगे तो एक से स्टार्ट होगा और 100 पे नहीं, 99 पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि 100 जो है वो सम संख्या है, ठीक है। तो एक से लेकर 99 तक जो है उनको देखेंगे, तो यहाँ फर्स्ट संख्या आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट संख्या एल आपका 99 हो जाएगा अपॉन 2, और एन आपका यहाँ पे 50 हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया 50 विषम और 50 सम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आपका 100 × 50, यहाँ पे 2 इसको आप काट देंगे, यहाँ आपका 50 हो जाएगा, 50 × 50 आपको बताना है, तो 0 हटा देते हैं तो 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, बस आपको यही देखना है कि सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ देता है कि 1 से लेकर 50 तक विषम संख्या है, तो 25 जो आपकी विषम हो जाती है, 25 और यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे 49 रखना होता है, ठीक है, विषम रहता। तो अगर सम रहता तो यहाँ से आप 2 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 50 रखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन बताया है। बहुत सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आप आसानी से इस ट्रिक के द्वारा बता सकते हैं, और भी अपने सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा कि इस ट्रिक से लगते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ट्रिक, हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो अधिक से अधिक आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी होगी, आप दोनों को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस और ट्रिक के बारे में आपको पता चलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।